जब लक्ष्मण जेव्हा लक्ष्मण माझ्याकडे आला होता की मला एक हे आयडिया आहे असं स्टोरी मी ऐकली नाही. अच्छा. नुसता आयडिया मी ऐकलं. आयडिया सुनून मला असा वाटला की लक्ष्मण खूप ह्याने तपाल बनवली आहे आणि एवढा छान चित्रपट इंग्लिश विंग्लिश तेवर फोटोग्राफ केले आहे. ब्लू पण फोटोग्राफ केली होती. तो विज्युअल सेन्स कमाल का है. इमोशन्स तपाल में बहुत अच्छे थे. एक कहानी का सेन्स है. तो जस्ट नुस्ता आयडिया मला आवडला. मैंने कहा ओके गो अहेड हम तुम्हारे साथ है. हाँ मैंने ये भी सजेस्ट किया तुला हिंदी मध्ये बनवलाय. मी हिंदी भी बनाने को तयार हूँ. क्या बात है. जोरदार ताळ्या व्हायला पाहिजे. बट लक्ष्मण इंसिस्टेड कि मैं हम लोग इसको मराठी में बनाएंगे बिकॉज आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र. आई सेड इवन आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र. आई रिमेंबर लालबाग. इनफैक्ट आई वॉज जस्ट मैं अंदर बात भी कर रहा था लक्ष्मण से. जब हम छोटे थे हम साइन में रहते थे. काफ़ी ईयर्स हम साइन में रहे. हम मैं और अनिल हम चल के आते थे पैसे बचाने के लिए ताकि इंटरवल में आइसक्रीम के साथ कोको कोला भी पिए. साइन से चित्रा साइन से गणेश लालबाग चल के आते थे ताकि जो पॉकेट मनी से पैसे बचे जिससे पिक्चर की टिकट भी ली जाए और आइसक्रीम और कोको कोला के पैसे भी बचे. तो चल के आते थे और चल के जाते थे. और हमारा ऑफिस भी इधर महालक्ष्मी में था. जब हम साइन से निकलते थे काफ़ी बार अपने फादर के साथ तो गाड़ी से जब गुजरते थे जब भी इधर गणपति का फेस्टिवल होता था इधर तमाम रश देखते थे. और कई बार मैं और अनिल हम लोग चल के आए हैं लालबाग्चे राजा का दर्शन करने के लिए. दूर से देख के खुश हो जाते थे. लाइन में घंटों तक खड़े रहते थे अंदर आने के लिए और धक्कम धक्की में भी हम दर्शन करके चले जाते थे. तो आई हैव गॉट वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ लालबाग एंड इक्वली फॉन्ड मेमोरीज ऑफ व्हाट लक्ष्मण कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस फिल्म दैट ही इज डन. और मुझे यकीन है ये पिक्चर देख के भी सबको ऐसे ही लगेगा जो मुझे लगा जब मैंने ये पिक्चर देखी. मैं जब गाड़ी से निकलता हूँ और ऐसे बच्चे दिखते हैं तो मैं बहुत दिल करता है कि मैं उनके साथ बैठूँ उनके साथ बात करूँ. और मेरा देखने का ज़रिया मैंने ये जब मूवी जब देखी इसका स्पेशल स्क्रीनिंग तो मेरा लोगों को देखने का नज़रिया अगर बदला है. और सबसे खूबसूरत बात हम कहते हैं मुंबई जो है ये रातों की रानी है. ओके रात की नगरी है. मामा मार्च की मारिच की नगरी है. गुजराती में कहते हैं मामा मारिच की नगरी है. रावण के जो मामा है. What is that, मामा? मारिच मारिच रावण जो थे ना उनके मामा. ओके हमारे गुजराती में कहावत है. इस शहर को अगर आप देखना चाहते कि रात को ये शहर कैसा खूबसूरत होता है प्लीज डू वॉच बिकॉज दिस मैन हैज क्रिएटेड समथिंग रियली मिरेकुलस. आई वुड रियली लाइक टू थैंक रोहित सर. रोहित भाई देख ही नहीं रहे कहाँ पर हैं. किधर. अच्छा उधर. ओह रोहित भाई के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं. मैंने अभी पूरा एल्बम सुना है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्यारा सा एल्बम है. एंड आई वुड लाइक टू थैंक लक्ष्मण सर आपने इस गाने के लिए मुझे चुना. एंड बोनी सर थैंक यू सो मच. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड ऑल द एक्टर्स जो भी यहाँ पर बैठे हैं ये सारे यू नो मराठी सिनेमा के तोप जिनको बोलते हैं. एंड आई एम रियली मैं बहुत ही यू नो अप्रिशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट करता हूँ मराठी सिनेमा को कि वो अभी भी अपने रूट्स को नहीं भूलें एंड ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन पे जाते नहीं हैं. एंड उनकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग होती है. एक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं और बॉलीवुड को मराठी इंडस्ट्री से बहुत सारे जीनियस एक्टर्स मिले हैं. म्यूज़िक कंपोजर्स मिले हैं सिंगर्स मिले हैं. सो आई बींग अ मुंबईकर मुंबई में जन्मा हूँ. थोड़ी बहुत मराठी आती है बट मैं फ्लुएंटली बोल नहीं सकता जैसा आप बोल रही हैं. बट प्राउड टू बी अ मुंबईकर. एंड ये जो गाना है ये भी मुंबई के बारे में है. एंड इट्स लाइक मैं विश्वास भी नहीं करता कि लिरिसिस्ट ने इस गाने में मुंबई की हर चीज़ को यू नो एक गाने कैप्चर करके गाने में उन्होंने डाला है. और आई एम रियली ग्लैड कि बींग अ मुंबईकर मुझे ये गाना मिला है. और ऐसे ही मराठी ऑडियंस का भी ऐसा मुझे प्यार मिलता रहे. और आई होप ये फिल्म भी आपको बहुत पसंद आएगी. ट्रेलर लुक्स अमेजिंग एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एसोसिएटेड.
नमस्कार, मी वीणा जामकर, सब्सक्राइब टू राजश्री मराठी।